इस मस्जिद से आप इसे हल रहा फरमाई, मुल्के पाकिस्तान की खैर फरमाई, इस्लाम का बोल बला फरमाई, मेरे मौला इस्लाम का झंडा बुलंद फरमाई, औलादिना मा सलामती वला हियाती फी दीनिना व दुनियाना वल आखिरा इन्नका अला कुल्ली शयइन قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا لبيك 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 يا رسول الله لبيك कुफर का फतवा लगाया, किसने लगाया? इरफान साहब शादी है, बात एक करें आराम से, एक एक मिनट, आप क्या मेरे मेरा बात आप सबके गुलाम मेरे भाई है, एक बंदा मेरा बात कर रहा है, या तो आप कहिए इन पे अपने कमाल है जो हुजूर, एक मिनट, कोई बंदा और नहीं बोलेगा, अगर आप तो एक मिनट यार, अगर तुम बंदा बदलना चाहे तो बदल ले, अगर इन पे कमाल है खामोश जी, एक मिनट यार खामोश, हम आपके गुलाम हैं, आपके जूते सीधे करने वाले हैं, हम आपसे ना कुछ ज्यादा सवाल, आप शाह साहब का अदब करते हैं लेकिन शाह साहब को भी चाहिए कि उलमा का अदब करें, सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, जो शाह साहब ने डॉक्टर साहब की वालदा मुहतरमा के बारे में नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किए और वो एक बाग किरदार वाली खातून है, तो शाह साहब ने इस जुबान को इस्तेमाल किया, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपकी बात बहुत करनी, सबसे पहली बात ये कुफर का फतवा मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ डॉक्टर साहब पे किसी ने नहीं लगाया, अब मैंने किताब भी मेरे पास आपको कहीं तो गाड़ी में भी शायद पड़ी होगी, वो जो महफूज अल किताब मासूम अल खिताब पे वो जो किताब लिखी है ना सखर वाले मुफ्ती साहब ने, वो भी मेरे पास पड़ी है, तफसीली फतवा आ चुका है, मैंने सारी किताब को लफ्ज़ पर लफ्ज़ पढ़ा है, किसी जगह पे किसी ने डॉक्टर साहब को काफिर नहीं कहा, तो मैं या कोई बंदा हो बात सकता, कोई शख्स बात नहीं कर सकता, कोई शख्स और बात नहीं कर सकता, एक बात कोई शख्स, हाँ अगर मैं ना इरफान साहब का उस्ताद हूँ ना मैं डॉक्टर साहब का उस्ताद हूँ, हम दोनों हमारे लिए दोनों मोहतरम में इल्मी हवाले से बात बड़े करेंगे, देखे ना ये सुन्नियों में ये तरीका नहीं है, सुन्नी बड़ों की बातों पे सबूत करते हैं, बड़े जान सीधे टगियां दे बाड़ा ते सी बकरियां को पड़ गई, एक छोटी सी अर्ज कर दूं, हां जी एक छोटी सी, आपने इरशाद फरमाया कि हम कौन होते हैं उनको सबक सिखाने वाले या उनको ये कहने वाले वो कहने वाले, लेकिन हम आप खुद इरशाद फरमा दें कि हमारी शरीयत में जब कोई बड़ा गलती करता है तो क्या छोटे को याद हासिल नहीं है, क्या अगर वो गलत कर रहे हैं मैं आपको उसको समझाएं, अच्छा मैं बात, अब हमारे नजदीक मैं भी डॉक्टर साहब से इल्मी वाले से इससे इख्तलाफ करता हूँ, फिर उन्होंने कहा जी नहीं वो बेखता थे, उनको रजू हो गया अमली रजू, एक मेरी बात सुनिए, अमली रजू हो गया उसके बाद फिर दोबारा तावीलें हुई, तावील पे उन्होंने फिर कहा जी अगर अंबिया से भी ऐसा मामला हो सकता सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी का, मैं आपके सामने बात करता हूँ, मेरे नज़दीक अंबिया अलैहिस्सलाम नईमुद्दीन मुरादाबादी ने भी लिखा तो मैं नईमुद्दीन मुरादाबादी की इज्तिहादी खता कह सकता हूँ, मैं आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये लफ्ज़ नहीं बोल सकता, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करके आता ज्यादा नहीं, सुने छोटी सी बात उनकी हुजूर, हम फिर ये ठीक है फरमाइए जी, जिसने जाना है चला जाए जी, मैं ऐसी गलत करने पे अपनी इस्लाह को तोड़ जाए, अपनी इस्लाह को गलत करने दो, गलत करने से छोटी सी अर्ज ये है, ओए बेटा एक मिनट में बात कर, शाह साहब हुजूर अर्ज ये है कि जब सादात-ए-किराम के सामने हमारे सादात ग्राम के सामने जब मासूम अनिल खता का अकीदा गैर अंबिया के लिए जब बयान किया गया तो ये क्यों नहीं बोले, इनको चाहिए था कि वो राफ़िज़ी जब कह रहा था शाम के रख मत
जो खता का लफ्ज गैर अंबिया के लिए मासूम शम्स और अमान मसीह हमको चाहिए तो ये अब इससे मेरी बात सुन लेकिन ये वहां पे भी हम हमारा अकीदा ये है कि अंबिया के सिवा गैर नबी मासूम नहीं होता। अब अगर किसी ने ये अकीदा समझता है तो मैं उस अकीदे का कायल नहीं हूं। अगर कोई शख्स ये कहता है अहले सुन्नत के अकीदे का कायल नहीं है लेकिन उसका तरीका ये है कि जो जिसने सुन लिया हो सकता है उन्हें घर जाकर तौबा भी कर ली हो। अगर मैं उसने ये बात की तो चाहिए पब्लिक के सामने कह रहा हूँ जिसने जाना चले जाओ नहीं दुआ हो गई है जिसने जाना चले जाओ मुझे उनसे बात करने दे। हम उस हर शख्स से जिसने जाने के लिए मैंने कुछ भाई जिन चौकी डाल है ना वो टूट जाए जिसको जल्दी है वो चला जाए। भाई है बात हो रही है सुननी है सारे वो ठीक है बात समझ रहे हैं कह रहे आप अगर आई हमारे फतवा तो बहुत सी बातों पे क्या ऐसी जो इश्तहादी खतरे होती है किसी के मामले क्या हर बार कितना प्यारा हमने नारे बिखी वाले ने हम जो लोग अब तवीले कर रहे हैं मेरा बंदा मिला झगड़ा तुम जाओ यार मेहरबानी सानू गल कर दो गल करोड़ा आखिरी बात सुन ले पिंडी भट्टिया मुझे एक बंदा मिला उसने यही बात की खता कर उसने कहा कि अगर माज अल्लाह अंबिया से हो सकती है तो सईदा पाक की तरह। मैंने कहा तुम्हें पता है जिसने लिखा वो भी आलिम है उधर जिसने ऐसे लफ्ज बोले डॉक्टर साहब वो भी आलिम है तुम जाहिल हो उनका इल्मी मकाम और है तुम जो बोलोगे तो कुफर के हद तक चले जाओगे। तो हमें ये मसाइल पब्लिक में नहीं लेके आना बात ये है आप मैं आपका नुमाइंदा बनता हूँ आइए डॉक्टर साहब से भी मिलते हैं उनसे भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आप इस बात पे वो जो लफ्ज है ना माशाल्लाह खता का अगर आप उसको गलत समझते हैं तो मैं आप जिम्मेदार मैं डॉक्टर साहब भाई है मेरे मेरे बड़े मोहतरम है हम मिलते हैं जाके उनको इकट्ठा करते हैं हमें मिलके इत्तेहाद के बड़ों के इत्तेहाद की बात करनी चाहिए ताकि अल्लाह सुन्नियों पे राम फरमाए। हमारे बहुत नुकसान हो चुका है हमारे बुजुर्गों को इकट्ठा आप मेरे से जाती तौर पे मिले इतनी रिक्वेस्ट कर दें मैं जिम्मेदार कम से कम वो अपनी जुबान संभाल के रखे उलमा अपनी संभाल सकते वो कैसे आप नहीं संभाल सकते वो कैसे हम क्या कह रहे हैं उन्होंने देखे ना बहुत से लोग ऐसे हैं गालियां निकाली है आप डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है मैंने फोन करके मिल के ठीक है अल्लाह पाक अहले सुन्नत पे रहम फरमा या अल्लाह पाक हम सब को इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमा या इलाही आलम इस्लाम पे रहम फरमा आलम इस्लाम में मुसलमानों का बोल बाला फरमा आमीन बजाह नबी आओ हक अदाई हक वासिफ हक अदाई हक वासिफ हक अदाई हक वासिफ सुन्नियों ने शेर पाला सुन्नियों ने शेर पाला अशरफ आसिफ बिक्की लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह।